ठाकुर बोलेगा तो बिंदास बोलेगा, ठाकुर के बिंदास बोल में मैं उमेश ठाकुर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं रिव्यू करूंगा फिल्म हिंदुस्तानी 2 का। ये 12 जुलाई को रिलीज होने वाली फिल्म है हिंदुस्तानी 2। हालांकि कमल हसन की ये फिल्म है और कमल हसन जी ने ये फिल्म हिंदुस्तानी 5 साल पहले लेकर आए थे। हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी फिल्म जब आई थी तो बहुत चली थी, बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी ये फिल्म, क्योंकि इस फिल्म में जो कमल हसन जी ने दिखाया वो जबरदस्त था। एक एक इंसान जो देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, ऐसे एक सोल्जर की कहानी हिंदुस्तानी। अब हिंदुस्तानी 2 में वो फिर से आ रहे हैं और ये इसका टीजर देखने पर पता चलता है कि बहुत जबरदस्त फिल्म होगी, क्योंकि जिस ढंग की पहली हिंदुस्तानी थी तो डेफिनेटली हिंदुस्तानी 2 है जबरदस्त होने वाली है। ठाकुर के बिंदास बोल से मैं बिंदास कहूंगा, क्योंकि इस फिल्म में कमल हसन जी के साथ है सिद्धार्थ, विद्युत जम्वाल, काजल अग्रवाल, विवेक, राखिल प्रीत, पूजा भवानी और बहुत सारे कलाकार है इस फिल्म में। और ये फिल्म लिखी और डायरेक्ट की है शंकर जी ने। जो शंकर जी जो है वो अफलातून डायरेक्टर है, बहुत जबरदस्त डायरेक्टर है, और वो जो कुछ कमाल करते हैं वो स्क्रीन पर देखने लायक होता है। तो शंकर और कमल हसन ये जो जोड़ी है वो धूम मचाने वाली है हिंदुस्तानी 2, जो 12 जुलाई को आने वाली है। और 12 जुलाई को तहलका होने वाला है, क्योंकि फिर से एक देश प्रेमी, फिर से एक जनता के लिए लड़ने वाला व्यक्ति हमें देखने को मिले हिंदुस्तानी 2 में। क्योंकि जिस ढंग का ट्रेलर वो देखकर तो लगता है कि भाई धमाल होने वाली। चलिए हम ट्रेलर देखते हैं पहले। कैसा देश है ये? पढ़े लिखों के लिए काम नहीं, काम है तो उस लायक पगार नहीं, टैक्स भरो पर फिर भी फैसिलिटीज नहीं, चोर चोरी करता ही रहेगा, अपराधी अपराध करता ही रहेगा। हम जब देखो दुनिया को ब्लेम करते रहते हैं, सिस्टम ठीक नहीं है, इसे ठीक करना होगा, मुंह फाड़ के चिल्लाते हैं, लेकिन इसे ठीक करने के लिए हम एक दिन का भी नहीं हिलाते। We are just barking dogs. इसीलिए तो ऐसे भौंक रहे। सबका विनाश करने वाला एक हंटिंग डॉग आना चाहिए। पर क्या ऐसा कोई है? एक था हिंदुस्तानी नेम सेनापति फ्रीडम फाइटर, ऐसा कर्मा है सर। कर्मा नहीं वर्मा है। उन्हें वापस आना है। अपराध किया तो उससे बच नहीं सकता, ये डर होना चाहिए। मेरे करियर में एक ही केस अधूरा छूट गया था, सेनापति। सोच रहा हूं इसके एंटी इंडियन होने की घोषणा कर दूं क्या? बचपन में ईमानदारी से रहो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, आप ही ने सिखाया था ना। अब बड़ा हो गया हूं तो बोल रहे हो ये सब करना पड़ेगा। ये दूसरा स्वतंत्रता का जन्म है। गांधी के रास्ते में तुम, नेताजी के रास्ते में मैं। दौड़ न पाओगे, चुप न पाओगे। टॉम एंड जेरी का खेल शुरू हो गया अभी। तो देख लिया ट्रेलर, क्लास ट्रेलर है, जबरदस्त ट्रेलर है, धूम मचाने वाला ट्रेलर है। और देश विरोधी कार्रवाई करने वाले, देश में रहकर भी देश से गद्दारी करने वाले इन सभी लोगों को सबक सिखाने आ रहे हैं फिर से हिंदुस्तानी 2। कमल हसन जी की स्टाइल थी हिंदुस्तानी 1 में, हिंदुस्तानी में, और हिंदुस्तानी 2 में भी वो जिस तरह से बदला लेने वाला है, जिस तरह से इन सब करप्ट
करप्टेड लोगों को सीख देने वाले, वो देखने के लिए जरूर देखिए हिंदुस्तानी टू। ठाकुर के बिंदास बोल से मैं बिंदास कहूंगा कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट चलेगी और जबरदस्त फिल्म है, पैसा वसूल फिल्म होगी, अवश्य देखिए 12 जुलाई को ये फिल्म हिंदुस्तानी टू। कमल हसन की ये फिल्म है, शंकर की फिल्म है और जिस ढंग से ये बनाई है, बहुत ह्यूज खर्चा किया, बहुत ही जबरदस्त फिल्म होगी और देश प्रेम, देश के लिए सभी के दिल में प्यार है और देश के खिलाफ जो काम करते हैं, जो करप्शन करते हैं, जो देश को लूट रहे हैं, उन सभी को सीख देने के लिए आ रहे हैं कमल हसन फिर से हिंदुस्तानी टू में। तो तैयार हो जाइए हिंदुस्तानी टू देखने के लिए। तो ठाकुर के बिंदास बोल में मैं अगला रिव्यू लेकर जल्दी आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।